जैसे गुलाब भाई ने पूछा जो अनाथ की जिंदगी क्या होना चाहिए। अनाथ की जिंदगी ये है जो अनाथ बहुत तकलीफ से गुजारते हैं, वो डिप्रेशन से रहते हैं। जब माँ या पापा मम्मी पापा जब इंस्पायर हो जाए तो उसकी जिंदगी में मतलब अधूरापन आ जाती है। अधूरापन आने के बाद वो मतलब अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं, किस जगह में जाए, किससे मिले, किससे बात करें, और उसका वो डिप्रेशन कौन उसको शेयर करे जो उनके अंदर तकलीफ होती है। तो मैं चाहूँगा अनाथ उस व्यक्ति से मिले जो उनके तकलीफ को समझ सके, बिल्कुल, और वो प्यार उससे मांगे जो प्यार उसको दे पाए। बिल्कुल, ऐसा बुजुर्ग हो या अच्छा कोई दोस्त हो या अच्छा भाई हो या रिश्ता में कोई बहन हो, ऐसा अगर कोई बन जाता है तो अनाथ की जिंदगी में सुधार आती है। बिल्कुल, अनाथ को गुजारना बहुत तकलीफ होता है। अनाथ की जिंदगी में चलना फिरना उठना उसके लिए मतलब वही डिप्रेशन, एक ही बात आती है बार बार, जो हमारा कोई है नहीं, कोई नहीं, ये उनका सोचना गलत है। अगर वो अपने सोच को बदल ले, जो हमारे पास कोई है गुलाब भाई जैसे, हमारे पास अगला भी कोई है, मैं उससे बात करके अपने शेयर करके अपनी जिंदगी को सही सलामत बिल्कुल लेके चल सकता हूँ। यही लगा सबसे अच्छा अनाथ के बारे में बोलना। रहा जो सवाल बिहार के बारे में, बिहार बहुत अच्छा है, डेवलपमेंट है अभी, और बिहार का माहौल भी बहुत अच्छा है। जैसे यहाँ देखिए सब पुलिस आए हैं, घूम रहे हैं, चल रहे हैं, सब कितना अच्छा चल रहा है, माहौल एकदम सक्सेसफुल है, बहुत अच्छा लगा। शांति लगा आपको यहाँ पर? शांति लगा जी जी जी। चलिए, ये आए थे तो इनको मैंने सोचा कि काफ़ी अच्छी चीज़ बताया। कहते हैं ना कि आप किसी के साथ रहकर छोटे बड़ों से कुछ सीख सकते हैं, ये तो बात सही। तो वही चीज़ है, जब मैं इनसे काफ़ी दिन 2-3 घंटे मिला और यहाँ पे जैसे घूमने आए तो ये अच्छी चीज़ें बताया, इसलिए मैंने सोचा आप लोग को मैं शेयर कर दूँ। जी देखिए, इंसान मतलब 2 घंटे से या 1 घंटे से मिलता है तो उनके अंदर जो रहती है हवस, जो बात की हवस रहती है बोलने का चलने का, उसके अंदर तुरंत निकल जाता है। अगर कोई इंसान कुछ हो उसके अंदर कुछ रहे तो निकालने की कोशिश करता है, ताकि वो समाज में ला सके बात को, जो समाज में फैल के इसके लिए अच्छा जाए, अच्छे शब्दों में व्यवहार किया जाए। जैसे कि मतलब अगर आप कोई भी प्रोफेशन में कोई भी काम कर रहे हैं, आपको बस क्या है कि आप अच्छा करते जाए, प्यार बांटते जाए, और आप बस इंसान को लक्ष्य रखना चाहिए काम वन। हाँ। आप एक काम पे टारगेट लगाइए, उस काम पे आप सक्सेस होना है। अगर इंसान हर तरफ दौड़ते जाएंगे तो उसको कामयाब होना मतलब बहुत तकलीफ हो जाता है, क्योंकि वो सोच नहीं पाते किसी सक्सेस में होंगे। एक काम पे इंसान लग जाते हैं तो वो सक्सेस हो जाते हैं, बस यही मैं कहूँगा। मतलब एक काम पे फोकस करना है, एक काम पे फोकस करना है, बाकी जो टाइम हो उसके लिए थोड़ा कुछ इधर उधर निकाल लें, मगर काम एक फोकस करना ही है। जी 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 जी। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें बताइए, मुझे काफ़ी चला। अगर आपको ये वीडियो समझ आया और अच्छा लगा तो औरों को जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, वेलकम।